फ्रेंड से आज हम सभी एक्सरसाइज 6 का ट्रांसलेशन बनाएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड से पहला है, एक नंबर में बच्चे क्यों भूखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यों का लिखेंगे व्हाई, यहाँ पर लिखेंगे व्हाई। यहाँ पर बच्चे प्लूरल नंबर में है इसलिए यहाँ पर आर का यूज होगा, तो यहाँ हो जाएगा व्हाई आर, बच्चे का हो जाएगा द चिल्ड्रेन। भूखे का क्या होता है, भूखे का होता है हैंग्री। व्हाई आर द चिल्ड्रेन हैंग्री, बच्चे क्यों भूखे हैं। उसके बाद है आप मूर्ख और घमंडी हैं, तो आपका लिखेंगे यू, यू के साथ यहाँ पर लगेगा आर, मूर्ख का हो जाएगा फुलिस। और का लिखेंगे एंड, घमंडी का हो जाएगा प्राउड। यू आर फुलिस एंड प्राउड, आप मूर्ख और घमंडी हैं। उसके बाद है क्या वह तैयार है। तो सब्जेक्ट से पहले क्या है, ई के साथ हेल्पिंग वर्ब में इज लगता है, इज को पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इज ही। तैयार का क्या होता है, तैयार का होता है रेडी। इज ही रेडी, क्या वह तैयार है। उसके बाद है वे लोग क्यों उदास हैं। क्यों का होता है व्हाई, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाई। वे लोग का होता है दे, दे के साथ आर लगता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले आर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दे। उदास का होता है सैड। व्हाई आर दे सैड, वे लोग क्यों उदास हैं। उसके बाद है मेरा दोस्त दोषी नहीं है, मेरा दोस्त का हो जाएगा माई फ्रेंड। सिंगुलर नंबर में यहाँ हो जाएगा इज, नहीं का लिखेंगे नॉट, दोषी का हो जाएगा गिल्टी। माई फ्रेंड इज नॉट गिल्टी, मेरा दोस्त दोषी नहीं है। उसके बाद है वे लोग शिक्षित नहीं है, वे लोग का लिखेंगे दे, दे के साथ आर लगता है, तो यहाँ हो जाएगा आर, नहीं का लिखेंगे नॉट, और शिक्षित का होता है एजुकेटेड। दे आर नॉट एजुकेटेड, वे लोग शिक्षित नहीं है। उसके बाद है क्या आप पागल हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले क्या है इसलिए यू के साथ आर लगता है, आर को पहले लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, पागल का होता है मैड। आर यू मैड, क्या आप पागल हैं। उसके बाद है वह कैसे बेईमान नहीं है, तो यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का होता है हाउ, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे हाउ, ई के साथ इज लगता है, तो यह हेल्पिंग वर्ब में इज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, नहीं का लिखेंगे नॉट, और बेईमान का क्या होता है डिजोनेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा डिजोनेस्ट। हाउ इज ही नॉट डिजोनेस्ट, वह कैसे बेईमान नहीं है। उसके बाद है तुम लोग क्यों थके हो, तो यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड है क्यों, क्यों का होता है व्हाई, तो व्हाई को पहले लिखेंगे। तुम लोग का होता है यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब में आर लगता है, तो आर सब्जेक्ट से पहले लिखाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू। थके का होता है टायर्ड, व्हाई आर यू टायर्ड। व्हाई आर यू टायर्ड, तुम लोग क्यों थके हो। उसके बाद है वह कैसे सुंदर नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है, कैसे, कैसे को होता है हाउ, ई के साथ इज लगता है, तो इज लिखेंगे। स्त्री का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ इज सी, नहीं का लिखेंगे नॉट, और सुंदर का हो जाएगा ब्यूटीफुल।
हाउ इज सी नॉट ब्यूटीफुल, वह कैसे सुंदर नहीं है। उसके बाद है आप अशिक्षित हैं, आपका होता है यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, यू के साथ आर लगता है तो यहाँ हो जाएगा आर, अशिक्षित का होता है अनएजुकेटेड। यू आर अनएजुकेटेड, आप अशिक्षित हैं। उसके बाद है क्या तुम्हारा भाई मेहनती नहीं है, तो यहाँ तुम्हारा भाई सब्जेक्ट से पहले क्या है, तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसे पहले लिखेंगे, तुम्हारा भाई, इसके साथ इज लगेगा तो इज को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे योर ब्रदर, इज योर ब्रदर, नहीं का हो जाएगा नॉट, और मेहनती का हो जाएगा लबोरियस। इज योर ब्रदर नॉट लबोरियस, क्या तुम्हारा भाई मेहनती नहीं है। उसके बाद है वे लोग विनम्र क्यों नहीं है, यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का होता है वाई, तो वाई को पहले लिखेंगे, वे लोग का होता है दे, दे के साथ आर लगता है तो आर को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, नहीं का हो जाएगा नॉट, और विनम्र का क्या होता है, विनम्र का होता है हम्बल। Why are they not humble? वे लोग विनम्र क्यों नहीं है। उसके बाद है आप क्यों उदास हैं, यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड है क्यों, क्यों का होता है वाई, तो वाई को पहले लिखेंगे, आपका होता है यू, यू के साथ आर लगता है तो आर को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उदास का होता है सैड, यहाँ पर हो जाएगा सैड। वाई आर यू सैड, आप क्यों उदास हैं। उसके बाद है मोहन एक नेता नहीं है, तो मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है तो पहले लिखेंगे मोहन, मोहन सिंगुलर नंबर में है, इज लग जाएगा, नहीं का लिखेंगे नॉट, एक का हो जाएगा अ, और नेता का हो जाएगा लीडर। मोहन इज नॉट अ लीडर, मोहन एक नेता नहीं है। उसके बाद है वे एक शिक्षक हैं, तो एक से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, वे का हो जाएगा ही, ई के साथ इज लगता है तो यहाँ हो जाएगा इज, एक का लिखेंगे अ, शिक्षक का लिखेंगे टीचर। ही इज अ टीचर, वे एक शिक्षक हैं। उसके बाद है क्या हम लोग किसान नहीं हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम लोग से पहले क्या है, हम लोग का होता है वी के साथ आर लगता है तो आर को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वी, नहीं का हो जाएगा नॉट, किसान का हो जाएगा फार्मर्स। आर वी नॉट फार्मर्स, हम लोग किसान नहीं हैं। उसके बाद है आप कैसे एक कलाकार हैं, तो यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का होता है हाउ, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे हाउ, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, यू के साथ आर लगता है तो आर को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, उसके बाद यू लिखेंगे, एक का हो जाएगा एन और कलाकार का हो जाएगा आर्टिस्ट। हाउ आर यू एन आर्टिस्ट, आप कैसे एक कलाकार हैं। उसके बाद है हम लोग कैसे चोर नहीं हैं, यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का लिखेंगे हाउ, हम लोग का होता है वी, वी के साथ आर लगता है तो आर को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी, नहीं का हो जाएगा नॉट, चोर का होता है थीप, थीप का प्लूरल हो जाएगा थीप्स। हाउ आर वी नॉट थीप्स, हम लोग कैसे चोर नहीं हैं। उसके बाद है क्या तुम्हारे भाई लोग नाविक हैं, तो तुम्हारे भाई लोग यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल नंबर में है इसलिए यहाँ पर आर को पहले लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले क्या है, आर को पहले लिखेंगे, तुम्हारे भाई लोग का हो जाएगा योर ब्रदर्स। नाविक का होता है सेलर, सेलर का प्लूरल नंबर हो जाएगा सेलर्स। उसके बाद है क्या मेरे पिताजी गायक नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मेरे पिताजी,
उसके पहले क्या है? मेरे पिताजी सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले हम लोग ईजी का प्रयोग करेंगे। मेरे पिताजी का हो जाएगा माई फादर, नहीं का लिखेंगे नॉट, और गायक का हो जाएगा सिंगर। इज माई फादर नॉट सिंगर, क्या मेरे पिताजी गायक नहीं है। उसके बाद है क्या हम लोग खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम लोग, उसके पहले क्या है, हम लोग का होता है वी, वी के साथ आर लगता है, क्या पहले है इसलिए आर को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी, खिलाड़ी का हो जाएगा प्लेयर्स। आर वी प्लेयर्स, क्या हम लोग खिलाड़ी हैं। उसके बाद है आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, आप लोग का होता है यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, यू के साथ आर लगता है, अच्छे का हो जाएगा गुड, और विद्यार्थी का होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है इसलिए यहाँ स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स हो जाएगा। यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं। और सबसे अंत में है मेरे पड़ोसी लोग हाकिम हैं, तो मेरे का हो जाएगा माई, पड़ोसी लोग का हो जाएगा नेवर्स, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है इसलिए यहाँ हो जाएगा आर, हाकिम का होता है ऑफिसर, प्लूरल नंबर में हो जाएगा ऑफिसर्स। माय नेवर्स आर ऑफिसर्स, मेरे पड़ोसी लोग हाकिम हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।